सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 804वें उर्स का आगाज चांद नजर आने के साथ ही शनिवार या रविवार रात से विधिवत शुरू हो जाएगा। इससे पूर्व ख्वाजा की दरगाह सहित बाजारों और विश्राम स्थलियों में जायरीनों की रौनक बढ़ने लगी है। वहीं उर्स में शरीक होने महरौली से छड़ी लेकर पैदल चलकर आए कलंदर और मलंग सूफी संत की सरजमी पर पहुंचते ही खुशी से झूम उठे और नारे लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। 26 मार्च को पैदल चलकर महरौली से रवाना हुआ मलंगों का जत्था गुरुवार शाम अजमेर पहुंच गया। कलंदरों ने बताया कि जत्थे में शामिल सर्वधर्म के लोगों ने भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया है। सफर होता है साबिर पाक से लेके पानीपत होते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन निजामुद्दीन होते हुए हम सरकार की बारगाह में आते हैं और कौमी एकता के लिए हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये रस्म को अदा करते हुए आए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से ये रस्म चालू है। ये एक आगाज होता है सरकार गरीब नमाज का उर्स मुबारक आज से चालू है। वहीं उर्स के दौरान गुरुवार रात ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर पूरे साल भर पेश किया गया संदल खुद्दा में ख्वाजा द्वारा उतारा गया और अकीदतमंदों और जायरीनों में तकसीम किया गया। गौरतलब है कि ख्वाजा साहब के मजार से उतारा गया संदल पानी में मिलाकर तबर्रुक के साथ सेवन करने से सभी तरह की बीमारियों से निजात मिल जाती है। संदल गरीब नवाज की मजार पर हर रोज 1.25 किलो चढ़ता है, पूरे साल भर चढ़ता है और साल भर चढ़ने के बाद में संदल को उतारते हैं। उतार करके हम लोग सब जायरीन ख्वाजा को प्रसाद के रूप में देते हैं। तो चूँकि साल भर तक ये संदल मजार पाक पर रहता है तो उसकी महत्ता, इसकी ताकत, इसका पावर बहुत बढ़ जाता है और जो भी बीमार किसी भी उसमें पीड़ित हो, बीमार हो या परेशान आ रहा हो या ऊपरी हवा में हो, वो इसको खाता है, इसका पानी पीता है तो उसको शफा होता है, उसको फ़ायदा होता है। और इसी तरीके से ये एक परंपरा पिछले 850 साल से चली आ रही है। वहीं चांद रात को फजर की नमाज से कब्ल दरगाह में जन्नती दरवाजा भी खोल दिया गया, जिसमें से हजारों जायरीन गुजर कर ख्वाजा के मजार पर पहुंचे और फूल चादर पेश कर दुआ मांगी। हुजूर गरीब नवाज का 804वां उर्स शुरू हो गया, शुरू होने के साथ ही जन्नती दरवाजे को खोल दिया गया है। इसमें हजारों जायरीन लोग जो अकीदत और दुआओं की झाड़ लेके आते हैं, इस दरवाजे से निकलकर जन्नती दरवाजे से निकलकर अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम जन्नत के अंदर में दाखिल हो गए। अगर आज चांद दिखाई दिया तो जन्नती दरवाजा 6 रोज तक बराबर खुला रहेगा और आज चांद नहीं दिखाई दिया तो वापस दरवाजा रात को बंद कर दिया जाएगा, सुबह फिर खोल दिया जाएगा, फिर 6 रोज तक खुला रहेगा। इससे हजारों लाखों जायरीन लोग अकीदत के साथ में जन्नती दरवाजे से दाखिल होंगे और अपनी मुरादों को पाकर फिर आस्थाने आलिया के अंदर में दाखिल होंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 804वें उर्स के मौके पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से दरगाह में चादर के साथ फूलों का नजराना पेश किया गया। हर साल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की ओर से दरबार ख्वाजा में इसी तरह चादर पेश होती है। इस चादर को शुक्रवार को वाजपेयी के निजी सचिव शिव कुमार शर्मा के पुत्र महेश पारिक लेकर दरगाह पहुंचे। खादिम अब्दुल बारी चिश्ती द्वारा मजार पर चादर पेश कराई गई और अंजुमन सचिव वाहिद हुसैन अंगारा ने महेश पारिक के दस्तारबंदी कर दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। पारिक ने अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश पढ़कर सुनाया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने लिखित संदेश ना देकर मौखिक संदेश भेजा है कि देश में अमन चैन भाईचारा और खुशहाली बनी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार यहाँ पे ख्वाजा साहब के दरबार में अकीदत के फूल पेश करते हैं और चादर चढ़ाते हैं। उनका हमेशा से यही मानना है कि देश में भाईचारा हो, सद्भाव हो और खुशहाली हो। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं आज उनके बिहाफ पे ख्वाजा साहब के यहाँ चादर पेश करने आया हूँ, मेरी हाजिरी कबूल हो।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 804वें उर्स में गुरुवार शाम जिला प्रशासन की ओर से मजार ख्वाजा पर अकीदत के फूल और चादर पेश की गई। निजाम गेट से कव्वाल सूफियाना कलामों के साथ चादर को लेकर आस्थाना ओलिया में पहुंचे, जहां संभागीय आयुक्त हनुमान साहेब मीणा, अजमेर रेंज आईजी मालिनी अग्रवाल, कलेक्टर आरुषि मलिक और एसपी नितिन दीप लगन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने अकीदत के साथ फूल चादर पेश कर ख्वाजा गरीब नवाज से उर्स शांतिपूर्वक सम्पन्न होने की दुआ मांगी। जायरीन जो भी पढ़ा रहे हैं उनके लिए हमने माकूल व्यवस्था की है, थायड भी शाम स्थल में भी किए, यहाँ भी किए, और उचित व्यवस्था पानी बिजली और जो मेडिकल वाली वो सब किए, उसमें हमारा जो सारा प्रशासन है मुस्तैदी से, और इसको हम भव्य उसका आयोजन करना सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्रार्थना भी किए एक समझौता बनी रहे। 804वां उर्स के उपलक्ष्य में जो सभी जायरीन यहाँ पधारेंगे उनके लिए सभी माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं, और कार्ड विश्राम स्थली पर इस बार आप देखें कि इवन जो बाहर से आने वाले जायरीन हैं, चूंकि एक बार इस बार एक वही स्थल है जो एक सेंट्रल हमने एक पॉइंट रखा है, तो बहुत बेहतर टेंट और बहुत बेहतर आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर ऐसी स्थिति नहीं हो कि जो MRP है उससे अधिक कहीं भी कोई जायरीनों से अधिक कोई राशि ले। जो बिजली पानी और सैनिटेशन सबकी हमने पर्याप्त माकूल व्यवस्थाएं की हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि गरीब नवाज की जो कृपा है उससे उर्स बहुत शांतिपूर्वक संपन्न। मुबारक मौके पर सभी पुलिस प्रशासन, दरगाह कमेटी, अंजुमन और अजमेर शहर के सभी निवासी, हम सब जायरीनों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और पुलिस विभाग की तरफ से भी इस बार प्रयास किए गए हैं कि पुख्ता व्यवस्था रहे ताकि जायरीनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस संबंध में जो भी सूचना है जगह जगह हम लोगों ने जो है उसको डिस्प्ले करा है ताकि जायरीन उसको पढ़ सके। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो नंबर्स भी दिए गए हैं ताकि वो नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सके। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहाँ की अगर उनकी कोई कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट आकर दे सके, और हम जो है फिर अगर उसके आगे मुकदमा वगैरह दर्ज करना है तो उसकी भी कार्रवाई कर पाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के 804वें सालाना उर्स में शिरकत करने अजमेर आने वाले लाखों यात्रियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए GRP SP ओम प्रकाश ने शुक्रवार को GRP पुलिस लाइन में अधिकारियों और सिपाहियों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। पुलिस लाइन में आयोजित सभा में SP ओम प्रकाश ने सभी को निर्देशित किया कि उर्स मेले में देश विदेश के जायरीन रेल द्वारा अजमेर आते हैं, इन यात्रियों के बीच शातिर अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं और कई तरह की वारदात जायरीनों के साथ अंजाम देते हैं, लिहाजा सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी सतर्क रहकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे। इसमें टोटल डिप्लॉयमेंट जो है वो 500 मुलाजमानों का किया गया है। RPS अधिकारी के नेतृत्व में 4 RPS अधिकारी हैं जो अपने बीट वाइज अपना पॉइंट बना करके ड्यूटी करते रहेंगे। इसके अलावा RPF रेलवे पुलिस RPF का जो नियोजन वो भी है, उसमें उनके भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। साथ में जो रेलवे के जो स्टेशन मास्टर वगैरह वो भी हैं, तीनों चारों जो आस पड़ोस के जो स्टेशन हैं उनमें भी कुछ डिप्लॉयमेंट किया गया, उनके भी ऑफिसर्स भी वहाँ पे हैं, उसको बेहतर ढंग से और संपादित किया गया है।